आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए दोहरी मुसीबत लेकर के आया है। आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें भेजे गए समन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया है और केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि वो चार राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी तुरंत नोटिस को वापस ले। अब ऐसा माना जा रहा था कि ईडी के समन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए गुरुवार को एजेंसी के कार्यालय में पहुंच सकते हैं। ईडी ऑफिस जाने से पहले केजरीवाल के राजघाट जाने की भी खबर थी। हालांकि उनके बयान के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि वो पेशी के लिए नहीं भी जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पेशी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। नई दिल्ली की तरफ से आने वाली हर गाड़ी को चेकिंग के बाद ही अंदर आने की इजाजत मिलेगी। इसके साथ ही इलाके से गुजरने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जाएगी। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर भी लगाए हैं और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। पोस्टर पर लिखा है, केजरीवाल सच बोलो, शराब घोटाले पर अपना मुंह खोलो। इन पोस्टर में केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की गई है।